नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कौरभी झाड़े है। मैं वेस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे से। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वेरिकोज वेन में स्टॉकिंग्स पहनना जरूरी है, स्पेशली ड्यूरिंग एक्सरसाइज। बहुत सारे पेशेंट्स हम लोग ओपीडी में देखते, वो आके पूछते कि ये स्टॉकिंग्स कब तक पहनना है, कितने दिन पहनना है और किस समय पहनना है। हम इस वीडियो में दो तरीके के पेशेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनका वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट हो गया है और जिसका वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। अगर आपका वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट हो गया है, सो ट्रीटमेंट के बाद 1-2 महीने बाद आपको स्टॉकिंग्स पहनने की जरूरत नहीं है। बहुत बार मैंने देखी कि पेशेंट का ट्रीटमेंट होके 4-4 5-5 साल हो जाते हैं, फिर भी वो स्टॉकिंग्स पहनते। अगर आपका ट्रीटमेंट हो गया है तो आपको स्टॉकिंग्स पहनने की जरूरत नहीं है। अब हम दूसरे कैटेगरी के पेशेंट्स का डिस्कस करेंगे कि जिनका ट्रीटमेंट नहीं है, उनको अभी सर्जरी की जरूरत नहीं है, बट उसकी सीवियरिटी बढ़नी नहीं चाहिए, इसलिए वो स्टॉकिंग्स पहन रहे। रेगुलरली आप रूटीन एक्टिविटी में 10 से 12 घंटे तक स्टॉकिंग्स पहनना जरूरी है। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि एक्सरसाइज के पहले हम क्या स्टॉकिंग्स पहने या ना पहने। बहुत बार लोग हैवी जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सो इसमें भी हम दो कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं। ऐसे पेशेंट जिसमें नस बहुत ऊपर तक फूक कर आ गई है, सो ऐसे जिनको एक्सरसाइज करते टाइम बहुत ऊपर ऊपर नस दिख रही है, सो ऐसे पेशेंट में मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी कि आप एक्सरसाइज के समय स्टॉकिंग्स पहनिए, क्योंकि अगर नस बहुत बाहर फूक कर आई है, उसमें कुछ हल्का सा भी ट्रॉमा लग गया तो वहां से ब्लीडिंग हो सकती है और वो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। तो अगर आप स्टॉकिंग्स पहन रहे ड्यूरिंग एक्सरसाइज तो वो नस अंदर की तरफ दबी रहेगी और जो धक्का लगने से ब्लीडिंग होने का जो एपिसोड है वो नहीं होगा। दूसरे कैटेगरी के पेशेंट है जिनमें बहुत माइल्ड वेरिकोज वेन्स है, स्टॉकिंग वो पहन रहे हैं एज अ प्रिवेंटिव मेजर। तो ऐसे में अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस टाइम आप स्टॉकिंग्स नहीं भी पहना तो भी इट्स ओके। आप एक्सरसाइज करिए, उसके बाद जब आपका रूटीन डे एक्टिविटी शुरू हो रहा है, आप आपके काम पे जा रहे हैं, उस टाइम स्टॉकिंग्स पहनिए और घर पे आके उसको फिर निकाल दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टॉकिंग्स के को लेके अक्सर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, किस समय पहनना, किस समय निकालना। इस वीडियो से हम यही समझाने की कोशिश कर रही है कि किस पेशेंट में कब स्टॉकिंग्स पहनने की जरूरत है। इस वीडियो रिलेटेड अगर और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।